अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ सूजी का जमा हुआ हलवा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिसने नहीं किया है, थैंक यू। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब सूजी ली है। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। 1 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है शीरा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है अराउंड 4 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 2 टेबलस्पून भर के। टू टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे पीसी इलायची ली है पाउडर फॉर्म में। मैंने यहाँ पे पॉट गरम कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सूजी की कुकिंग, इसकी बुनाई। मैंने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल स्लो किया हुआ है ताकि मैं इसको आराम से 3 से 4 मिनट भून सकूँ इसका कलर चेंज होने तक। ड्राई मिल्क पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे ले लिया है शीरे के लिए 1 पॉट। अब मैं यहाँ पे पानी शामिल करूँगी। यहाँ मैं ले रही हूँ इलायची पाउडर। मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं इसे जब तक कुक करूंगी जब तक इसमें 1 से 2 तार ना बन जाए शीरे के। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको शीरा ऐड कर रही हूँ। इसको चलाते रहेंगे हल्के हाथ से ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े और ये नीचे चिपके ना। देखिए मैं यहाँ पे इस स्टेज पे थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही सूख जाएगा, तो वो घी से इसका टेस्ट जो है वो और इन्हेंस होगा।
ये देखिए मैंने इसकी इतनी अच्छे से बुनाई की है। लीजिए हमारा मज़ेदार सा सूजी का कटनियों वाला जो हलवा होता है वो रेडी है। मैं आपको उसका यहाँ पे पीस दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे पीस बने हैं इसके। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिसने नहीं किया है।